हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कपकेक की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हमने ओरियो बिस्किट और मार्शमेलो से बनाकर तैयार किया है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपके बच्चों को यह काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि इसमें ओरियो भी मिला है और मार्शमेलो भी मिला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मार्शमेलो कपकेक कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको माइक्रोवेव या ओवन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इस रेसिपी को हमने कुकर में बनाकर तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हम घर का कोई भी कप सेट करेंगे। उसी कप से 1/4 कप दही लेंगे, आधा कप पिसी हुई चीनी लेंगे। अब इसे हमें मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट में यह एकदम स्मूथ हो जाएगा और इसका क्रीमी टेक्सचर आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है और इसका क्रीमी टेक्सचर भी आपको दिख रहा है। तो यहीं पर हमें करना क्या है, 1/4 कप ऑयल लेना है। ऑयल में कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं मीठा ऑयल यूज कर रही हूँ और इसे भी चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर सेम कप से मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मैदा। आप इस रेसिपी को गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं और उसे भी चलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। और इसे भी चलाकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब यह थोड़ा थिक सा लगे तो इसमें आप 1 से 2 चम्मच दूध के डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने 2 ओरियो बिस्किट लिया है, इसे एक जिपलॉक पैकेट में डाल दिया है। अब हमें इसे क्रश कर लेना है। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ हल्के से क्रश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से क्रश करके जो पेस्ट हमने तैयार किया है, मिक्सचर हमने उसमें मिला लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे कपकेक का जो बैटर है वो तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अब इस बैटर को हमें पेपर कप में फिल करना है। इसके ऊपर की डेकोरेटिंग के लिए यहाँ पर हमने कुछ मार्शमेलो लिए हैं, इन्हें भी हमें छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेने हैं। और कुछ ओरियो बिस्किट लिए हैं, उनके भी टुकड़े कर लिए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इनके टुकड़े तैयार कर लेने हैं। अब आप देख सकते हैं बैटर को हमने पेपर कप में फिल कर दिया है। कपकेक को हम पेपर कप में ही बनाते हैं। तो ये देखिए, पेपर कप में हमने बैटर को फिल किया है। अब कुछ मार्शमेलो ओरियो के टुकड़े भी हम ऊपर से डाल देते हैं। इसके बाद हमें इसे बेक करना है। बेक के लिए हमने यहाँ पर बेकिंग मोल्ड लिया है। आप देख सकते हैं बेकिंग मोल्ड में हमें इसे रखना है। आप चाहे तो इसे किसी प्लेट के ऊपर रख सकते हैं। मेरे पास ये मोल्ड है तो मैं इसमें इसे रख रही हूँ। तो अब यह बेक होने के लिए तैयार है। तो बेकिंग के लिए हमने कुकर का इस्तेमाल किया है। कुकर को प्री हीट करने के लिए हमने गैस पर चढ़ा दिया है। कुकर हमारा अच्छा गर्म हो गया है। कुकर में हमने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ एक रिंग डाला है। अब देखिए, इस मोल्ड को हमें कुकर में डाल देना है और 20 मिनट के लिए हमें कुकर को बंद कर देना है। कुकर का रबड़ और सीटी निकाल लेना है और इसे ढक देना है। 15 से 20 मिनट में ही हमारा कपकेक अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा कपकेक अच्छे से फूल गया है, मार्शमेलो भी मेल्ट हो गए हैं। फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपके बच्चों को यह काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। आपके घर कोई भी प्रोग्राम हो, बर्थडे पार्टी हो, आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार करें, सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इसके ऊपर से मैंने चॉकलेट सॉस को स्प्रेड किया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। चॉकलेट सॉस स्प्रेड करने से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और बच्चों को और भी ज़्यादा पसंद आता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कपकेक कैसा बना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा कपकेक काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली में सबको शेयर करें, अपने बच्चों को खिलाएं। काफ़ी ज़्यादा सबको पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।